हेलो गुड आफ्टरनून नमस्ते हाउ इज बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट में रखेंगे अबाउट लिवरपूल क्योंकि कल वॉच अलॉन्ग में काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की काफी डिस्कशन किया तो इसके लिए हम लोग वी विल कीप इट शॉर्ट नाउ एविटन में थी कल ऑफकोर्स और क्लॉप आज तक गुडिसन पार्क पे अनबीटन थे और फाइनल गेम जो था एज लिवरपूल मैनेजर क्लॉप वो हार गए हैं टू नील से सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा कि एवर डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट आई नो पूरा डिस्कशन इज अराउंड लिवरपूल कि कैसे उन्होंने चांसेस मिस किए और कैसे उन्होंने गड़बड़ की और कैसे फॉरवर्ड्स ने नहीं परफॉर्म किया डिफेंस सेकेंड गोल के लिए डिफेंस कितना बुरा था वो सारी चीजें हैं और वो बिल्कुल सच है लेकिन सबसे पहले एविटेंट डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट आप अगर ये मैच देखते तो आपको लगता कि कि एविटेंस टाइटल रेस में है और इज बेसिकली टीम जिसका सीजन खत्म हो चुका है और आ, कुछ खेलने के लिए बचा नहीं है

आपको दिखा कि मिडफील्ड में कोई कंट्रोल ही नहीं था के पास। आई um, थिंक अगर आप डॉइट मैकनील की परफॉर्मेंस देखो अगर आप जैक हैरिसन की परफॉर्मेंस देखो वो रेडी थे टू थ्रो देयर बॉडी ऑन द लाइन डू वट इट टेक्स टू विन दिस गेम और वो आपको दिखा पहले आप लिवरपूल को पहले ही पांच मिनट में इनफैक्ट पहले The, पहले पांच दस मिनट में एक वार्निंग शॉट मिला था विद विदिटन पेनल्टी शॉट वो दोनों प्लेयर्स ऑफ साइड थे अनफॉर्चुनेटली फॉर एवेटन एंडली फॉर लिवरपूल तो वो पेनल्टी कंसीड नहीं हुई लेकिन उसके बाद भी आप देखो तो वेस्टफुल इतना ज्यादा वेस्टफुल इट्स अनबिलीवेबल मतलब इसके बारे में हम कितना बात करें और कितना डिस्कशन करें चाहे और आप किसकी भी बात कर लो चाहे आप उसमें मोहम्मद साला की बात कर लो आप डार्विन नूनेस की बात कर लो लुइस डियाज की बात कर लो डार्विन नूनेस और लुइस uh, डियाज के पास एक बहुत क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी टू टेक लीड भी ले सकते थे कर और वो आप इस, point, again, जो मैं बोलूंगा कि, you know, ये खत्म हो गया या मैं ऑर्बिचरीज नहीं लिखने वाला हूँ अपने खुद के प्लेयर्स के लिए लेकिन यू लुक एट दीज प्लेयर्स एंड सम ऑफ देम यू हैव टू थिंक अबाउट कि समर में क्या करना है आप, आप उसमें सबको इंक्लूड कर सकते हो इंटायर फ्रंट लाइन जोटा पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जोटा को हमको बेच देना चाहिए जाए डिफेंस देखिए डिफेंस विल बी ब्लेम्ड बट आई फील दैट यू नो इट इज बेसिकली डाउन टू दटैक अगर आप वन वन कर देते तो ये मैच अलग हो जाता जो फर्स्ट गोल एवेटन ने स्कोर किया आप

बहुत क्लियर प्लान था यार उन, वो फ्री उनका प्लान ही नहीं था कि वो यू नो ओपन प्ले में गोल करने की कोशिश भी करेंगे वो सेट प्लेसेस पे रिलाई कर रहे थे रेफरिंग वाज पुअर एब्सोल्युटली हॉरिबल लेकिन हम रेफरिंग को इस मैच के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल जैसे हमारे प्लेयर्स ऑल ओवर द प्लेस थे एंड इट इज वेरी क्लियर टू सी कि दिस टीम हैज रन आउट ऑफ गैस ये जो यूनाइटेड का रिजल्ट था पैलेस का रिजल्ट था उसके बाद हम बोल रहे थे कि देखना पड़ेगा एटेलांटा का रिजल्ट था उसके बाद हम बोल रहे थे कि देखना पड़ेगा कि ये सब ब्लिप है कि टीम हैज एक्चुअली आउट ऑफ गैस एंड आई थिंक अब बहुत सेफली हमको बोलना चाहिए कि द टीम हैज रन आउट ऑफ गैस एंड आप अगर मैनेजर को देख लो तो क्लॉब तो वेट ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं टूवर्ड्स एंड ही आपके फॉरवर्ड्स को गिलचुनिटीज मिलती है

आउट ऑफ आइडियाज एक पैसेंजर की तरह वो दिखते हैं फील्ड पे बहुत बार कल के मैच में भी कोई उनका इफेक्ट इफेक्ट नहीं था कर्टिस जोन्स ने काफी कोशिश की एंड वन गाई वाज लुइस डिया अगर कल के मैच में अगर कोई एक प्लेयर है जो थोड़ी बहुत जितनी भी कोशिश की, कर सक, की उन्होंने, course, उन्होंने भी एक चांस मिस किया दिस इज नॉट गुड कोर्स जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की uh, कोशिश इज नॉट मतलब यू आर प्लेइंग एविटन आप एविटन को खेल रहे हो जो एक रेलिगेशन स्क्रैप में इन्वॉल्व है सो so, दिस इज अनफॉर्गेवेबल और यू नो वन कैन ओनली होप कि माइकल एडवर्ड्स इज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस एंड थोड़ा रूथलेसनेस वाला जो स्ट्रीक है माइकल एडवर्ड्स का जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है इज अ वेरी रूथलेस मैन वो हमको देखने को मिले और बाकी तो इस सीजन अब थोड़ा पर्स्पेक्टिव की थोड़ी जरूरत है आई थिंक क्लॉब का जो फेयरवेल अनाउंसमेंट था कि क्लब ने जो बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ पूरे पूरे क्लब के ऊपर एंड एक इमोशनल आप बोल सकते हो एक इमोशनल डेट uh, ले लिया पूरे क्लब ने पूरे फैंस ने सबके ऊपर अपने आप के ऊपर कि हमको अब कुछ करके ही दिखाना है और वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो हैं, हैंडल नहीं हुआ मतलब आप यंगस्टर्स जो थे आपके वो परफॉर्म कर रहे थे बट एज सुन एज योर फर्स्ट टीम के लोग वापस आए है, टायर्ड हैं सब लोग दिख रहा है कि यू you नो know, बेसिकली जो मैंने पहले बोला कि दे हैव रन आउट ऑफ गैस क्या वो डिसीजन सही था नहीं था इसको आप दोनों तरफ से आर्ग्यू कर सकते हो और वो आई एम श्योर हम लोग और लाइव्स में और और वीडियोस में वो बात करेंगे चार मैच बचे हैं आई वुड से आई वुड से अगर कोडी गैकपो ऑफ कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे वो अगले मैच से आप कोडी गैकपो तो, को तो आपको खिलाना ही है मैं तो बोलूंगा कुछ मैचेस में आप जेडेन डांस को चांस दो मतलब एट दिस पॉइंट डार्विन को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है मोहम्मद साला को भी अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप करो uh, दो मैचेस हमको जीतने पड़ेंगे टू इंश्योर आर चैंपियंस लीग स्पॉट आई होपफुली हम वो मैचेस जीते और अपना चैम्पियंस लीग स्पॉट पक्का कर लें एनी वे से आगे बात करते हैं और कल बार्सिलोना में एक बड़ी न्यूज आई है इट्स अ Big news. Of course, अभी तक, मतलब, नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिलायबल जर्नलिस्ट रशादी जो कॉन्ट्रैक्ट था 2025 हजार पच्चीस तक वो यू नो सी आउट करेंगे वो बार्सिलोना में रहेंगे इसके ऊपर मैं अपनी मतलब इम्पार्शल uh, एक uh, you know, न्यूट्रल मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ तो सेकेंड पहली बात ये कि ये मैंने शुरू से बोला है कि बार्सिलोना टाइटल रेस में ऐसा लग रहा था कि नहीं इन्वॉल्व हो पाएगी और जब जयाल मे क्लियर चली जा रही थी और बार्सिलोना के बहुत सारे ड्रॉज बहुत सारे लॉसेज बीच बीच में आए थे तो बहुत सारे फैंस उनके पीछे पड़ गए थे बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट दे है बार्सिलोना मैनेजर एक पर्सपेक्टिव की जरूरत है कि आ, आप पिछले साल ही लीग जीते हो आप जिनसे कंपीट कर रहे हो उन्होंने बहुत अच्छी टीम बना के रख ली है एंड दे आर प्रॉब्ली असेंबलिंग अ टीम मेड ऑफ एब्सोल्यूट गैलेक्टिकल्स फुटबॉल जो होता है वो जीरो सम गेम होता है अगर आ, कोई और जीत रहा है तो इसका मतलब है कि कोई और हारेगा सो so, वो चीज आप

कल क्रंच मीटिंग एक हुई है, है लापोटा के साथ और उसके बाद उन्होंने जावी ने सपोजिटली डिसीजन लिया है ऑफ कोर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ वी हैव टू वेट फॉर दी ऑफिशियल कन्फर्मेशन इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ न्यूज फॉर बार्सिलोना लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बार्सिलोना को इससे ज्यादा की जरूरत है नेक्स्ट सीजन आई थिंक एक्सपेक्टेशन टेम्पर टेम्पर करना बहुत जरूरी है मैनेज करना एक्सपेक्टेशन को बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी बार्सिलोना को डीएम चाहिए जावी रह गए बट वो डीएम नहीं खेल सकते हैं तो अब उसके मामले में बोर्ड क्या करने वाला है अभी भी जावी को एक एक नंबर नाइन चाहिए एक फिनिशर चाहिए तो उसके बारे में बोर्ड क्या करने वाला है ऐसे बहुत सारे पोजिशन हम लोग आप, जो बार्सिलोना फैंस वो इसके बारे में बेटर बात कर पाएंगे और ज्यादा उन्होंने देखा भी है और मतलब मैं भी कर सकता हूँ फिर और मतलब इसमें भी हम लोग घुस सकते हैं उसमें उस में बट द पॉइंट इज की बार्सिलोना नीड पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि आप जाके फ्रीली मार्केट में स्पेंड करो तो आपके पास जो प्लेयर्स हैं, तो आपके लामासिया से जो प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं चाहे वो आप फर्मिन फर्मिन की बात हालांकि इज नॉट अ बट आप पॉइंट समझिए कि आपके फर्मिन लोपे कुबारसी ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये आगे अगले सीजन में भी खेलने वाले हैं मेजरली और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप तीसरे चौथे हफ्ते से पीछे पड़ जाओगे तो that is not going to be help anybody. एक साल 2025 अगले सीजन तक जावी अपना कॉन्ट्रैक्ट सी आउट करेंगे मोस्ट और उसके उस या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन वो तो हाइपोथेटिकल्स की बात होगी लेकिन एक एक्सपेक्टेशन टेम्पर टेम्पर करना जरूरी है आप ये समझिए कि रियाल मेड्रिड से आप लालीगा में कम्पीट कर रहे हो और वहां पे बहुत ही सुपर टीम उन्होंने फॉर्म की है राइट अगले अगले सीजन वो again, City, की टीम इंप्रूव बहुत सारी टीम्स हैं यार मतलब यूस यू नेवर नो कैसा उनका रहेगा राइट पी एच जी स्टिल मतलब पता नहीं अब, अब तो चले जाएंगे समर में लेकिन उसके बाद वो क्या करें तो पहले मोमेंट से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रोजेक्ट है इसमें एक थोड़ा टाइम लगेगा यू हैव टू बी पेशेंट विथ इट बट कमिंग बैक टू द गुड न्यूज आई थिंक इट इज ग्रेट एंड मीडिया मैनेज करना वो तो चलो जावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फैन एक्सपेक्टेशन इज समथिंग दैट बार्सिलोना फैंस विल हैव टू टू गिव टाइम जावी और अपने बोर्ड को और अपने प्लेयर्स को पेशेंस दिखाना पड़ेगा दैट इज की एंड बट वंस अगेन आई डाइग्रेस एंड आई विल कम बैक टू द मेन गुड पॉइंट कि भैया

पर्सपेक्टिव अगर आप लगाओ ना तो जिस जैसा पिछला सीजन गया था उसके हिसाब से दिस सीजन इज ओके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है बट दिस सीजन इज ओके आप टॉप फोर में अगर फिनिश कर लो एक ट्रॉफी आपने जीती है अगले सीजन आप लीग खेलोगे you know, की की ने कल बोला कुछ हद तक मैं अग्री भी करता हूँ क्योंकि यंगस्टर्स ने एक टाइम पे आपका जब जनवरी का पीरियड स्टार्ट हो रहा था जब जो जो जोटा नहीं थे साला नहीं थे ट्रेंट नहीं थे एलिसन नहीं थे कोनाटे नहीं थे तो बहुत सारे आपके प्लेयर्स ऐसे थे जो अकेडमी uh, uh, से आके जिन्होंने परफॉर्म किया तो कीप सम समस्पेक्टिव फॉर बार्सिलोना एंड लिवरपूल तो आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है बाकी वीडियोस हमेशा यहाँ पे बनते रहेंगे छब्बीस हजार के हम बहुत करीब है तो गेट इज क्लोज टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एज सुन एज पॉसिबल बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे ध्यान रखिए अपना एंड रिमेंबर वन थिंग विन लूज अ ड्रॉस